हे वीवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बनाने वाली हूँ राइस खीर, चावल का खीर। बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है। वीडियो को पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप एक परफेक्ट खीर बना लेंगे एक यूनिक स्टाइल में। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, फुल फैट क्रीम ले लिया है, इसे उबलने के लिए रख दें। और यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी ले लिया। एक मोटे तले के बर्तन में आप इसे फैला दें और एकदम धीमी आँच पर मेल्ट होने के लिए रख दें। और यहाँ पे मैंने चावल ले लिया है, 1 कप। चावल को 2 से 3 घंटे पानी में भिगो दिया था और अब हमें इसे पीस लेना है 1 कप पानी डाल के। और साथ ही मैं इसमें डाल रही 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालना ऑप्शनल है। तो सभी को पल्स में पीस लेना है कुछ सेकंड्स के लिए। इसे दरदरा पीसना है, एकदम बारीक ना पीसे, थोड़ा थोड़ा इसमें दाने रहना चाहिए। और ये देखिए दूध में भी अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं जो हमने चावल को पीसा था वो, और इसे हमें इसे चलाते हुए उबाल आने तक पकाना है। तो इसे छोड़े ना, चावल डालने के बाद आप इसे चलाना है तब तक जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, नहीं तो चावल एकदम गुठलियाँ बन जाएंगी। और इसमें उबाल आ चुका है, इसे 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाए बीच बीच में चलाते हुए। और यहाँ भी देखिए चीनी ऑलमोस्ट हमारी मेल्ट हो गई है। ध्यान रहे तेज़ आंच पे ना करें, नहीं तो चीनी हमारी जल सकती है, उसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं हल्का गरम किया हुआ क्रीम, या आप मलाई भी फेंट के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसे इस तरीके से चलाते हुए धीमी आंच पे चलाना है और क्रीम को भी धीमी आंच पे ही डालना है, तेज़ आंच पे आप ना डालें। और फिर इसमें डाल देना है बटर। ये देखिए अच्छे से इसमें उबाल आ गया, बस इसे अब हमें ज़्यादा नहीं पकाना है और गैस की फ्लेम इसे बंद कर देना है। और ये देखिए चावल भी पक चुके हैं, खीर हमारी एकदम गाढ़ी हो गई है। अगर आपको बहुत गाढ़ी लग रही तो आप इसमें गर्म दूध थोड़ा सा मिला सकते हैं। गैस की फ्लेम बंद कर दें और इसमें ऐड कर दें जो हमने अभी सॉस तैयार किया है, इसे कैरामेल सॉस कहते हैं। अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान दें हमारा गैस का फ्लेम है वो बंद है, अच्छे से मिक्स करना है। ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगी। लेकिन आप ध्यान रहे चीनी हमारी जल ना पाए जब हम चीनी को मेल्ट करें, बहुत ही धीमी आंच पे और मोटे तले के बर्तन में आप चीनी को मेल्ट करना है। यहाँ पे ले लिया है मैंने एक पैन में घी, घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है 1 चम्मच। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स, आप अपनी मनपसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, थोड़े से खरबूजे के बीज, थोड़ा सा किशमिश ले लिया है। हल्का से इसे रोस्ट कर लेना है धीमी आंच पे, तेज़ आंच पे अगर आप रोस्ट करेंगे तो ये जल सकते हैं। बस कुछ सेकंड के लिए इसे रोस्ट कर लेना है। और गैस की फ्लेम बंद करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा डालना ऑप्शनल है। अब हमें खीर के ऊपर डाल देना है ड्राई फ्रूट को। और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें हरी इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए 1 चम्मच। और सभी को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए खीर हमारी तैयार है। तो इसे निकाल लेते हैं 1 सर्विंग बाउल में। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी है बनती है खीर। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप किस तरीके से खीर बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये देखिए मैंने निकाल लिया और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ ड्राई फ्रूट से। और यहाँ मैंने जब चीनी को मेल्ट किया था तो उसे एक फॉइल के ऊपर हल्का से निकाल लिया था, स्प्रेड कर लिया था, और उसे तोड़ के मैं इसे ऐसे गार्निशिंग में यूज़ कर रही हूँ। ये डालना ऑप्शनल है। और लीजिए तैयार है हमारा कैरामेल खीर। तो वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बगल में बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।